हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैनन का 650D। सो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। ये वाला जो कैमरा मेरे हाथ में है, ये एक्चुअली मैंने सेकेंड हैंड लिया था, और जो मुझे इस कैमरे की कीमत पड़ी अराउंड 15,000 के आसपास पड़ी, अलॉन्ग विद द किट लेंस। और ये जो मेरे को मिला, इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है, मुझे लगता है जिस इंसान ने मेरे को कैमरा बेचा है उसने शायद ये एक या दो बार ही यूज़ किया होगा, और इतनी परफेक्ट कंडीशन में मेरे को मिल गया। वरना यूजुअली सेकंड हैंड में आप कैमरे लेते हो तो वो आपको काफ़ी बेकार कंडीशन में मिलते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको अच्छी कंडीशन में भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि ये दिखने में कुछ सामने से ऐसा है। अगर पीछे से इसकी बात करें तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, और इसमें आपकी फ्लिप आउट स्क्रीन भी है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। अगर आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है तो आप इसको अपनी फ्रंट में फेस कर सकते हो, अगर आपको उसको टिल्ट करना है, बैक साइड में फेस करना है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे जिस डायरेक्शन में आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज बन जाता है। अगर आपको जैसे ओवरहेड शूट करना है तो आप ऐसे नीचे टिल्ट कर सकते हो, आपको ज़मीन पर लेट के शूट करना है तो आप इसको ऐसे टिल्ट कर सकते हो। ये वाली जो आपकी स्क्रीन है, ये एक्चुअली एक टच स्क्रीन है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आपको टच करके फोकस करना हो। जैसे मेरा चेहरा है सामने, तो अगर मेरे को फ़ोटो क्लिक करना है, मैं जहाँ टच करूँगा वहाँ फोकस हो गया और एकदम से फ़ोटो भी क्लिक हो गया। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस टाइप के कैमरे के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यू नो, अगर आप वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड कर रहे हो तो तब आप चाहोगे कि आप जहाँ पे आपने टैप किया है तो वहाँ पे फोकस हो जाए, फिर आप उस फोकस को लॉक कर दो और फिर आप अपनी वीडियो बनानी वहीं से स्टार्ट कर दो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर हम इस साइड से इसको देखें तो इसमें आपका माइक इनपुट भी मिल जाता है, जो कि इधर है। ये आपका माइक इनपुट हो गया, और ये आपका हो गया HDMI और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको अलग से एक्सटर्नल ऑडियो लेनी है, आपको हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए, तो आप एक्सटर्नल माइक इसमें इजीली अटैच कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये वाला कैमरा लॉन्च हुआ था आपका 2012 में, तो ऑलमोस्ट 9 साल पुराना हो चुका है। इसमें 18 मेगापिक्सल वाला आपका सेंसर है। ISO की रेंज की बात करो तो आपकी 100 से लेके 12,800 तक जाती है, जिसको कि आप एक्सपेंड करके 25,600 तक ले जा सकते हो। तो उसके अलावा इसमें 5 फ्रेम पर सेकेंड आपकी शूटिंग स्पीड है, तो आप 1 सेकेंड में 5 फ्रेम तक शूट कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ये फुल HD में आपकी 60 फ्रेम पर सेकेंड तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है गाइस। वज़न की अगर बात करें तो इसका वज़न 575 ग्राम्स है। उसके अलावा अगर ऑटो फोकस पॉइंट की बात करें तो इसमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट है। तो अगर आप इसको कैनन के 600D से कंपेयर करें, जो भी काफ़ी सिमिलर था, वो इससे ऑलमोस्ट 1 साल पहले आया था, तो इन दोनों में इसमें आपको थोड़ा सा ISO रेंज ज़्यादा मिल जाता है। उसका 6400 तक है नेटिव ISO, और इसका आपको 12,800 तक मिल रहा है। उसके अलावा उसमें आपको 4 फ्रेम पर सेकेंड मिलते हैं, इसमें आपको 5 फ्रेम पर सेकेंड मिलते हैं। ऑटो फोकस दोनों का बराबर है, लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इसमें मिल जाता है, इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 600D में नहीं है। उसमें भी आपकी फ्लिप आउट स्क्रीन है, लेकिन उसमें आपकी टच स्क्रीन नहीं है। तो ये इसमें एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, स्पेशली अगर आपको वीडियो मेकिंग या ब्लॉगिंग करनी है। तो अभी जो इसमें ये लेंस लगा हुआ है, 1855 वाला पुराना लेंस है, और ये लेंस काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। अगर आपको ऑटो फोकस वगैरह भी करना है तो उसमें भी स्लो है, लेकिन अगर आप इस वाले कैमरे के साथ STM वाले लेंस यूज़ करो, जैसे 50mm का प्राइम लेंस आता है STM, या जो कैनन का 40mm f/2.8 वाला STM प्राइम लेंस आता है, तो वो ऑलमोस्ट साइलेंट है, तो वीडियो के लिए वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपका वीडियो में फिर हंटिंग कम होगी और ऑटो फोकस का नॉइज़ इसमें कम आएगा। अगर हम इसकी डायनेमिक रेंज की बात कर लें तो इसकी डायनेमिक रेंज अराउंड 11.2 है, जो कि थोड़ी कम है। अगर हम नाइकोन के कैमरा से कंपेयर करो, जो इसके कंपटीटर हैं, जैसे कि D5300 या D5500, तो उनकी डायनेमिक रेंज इससे बहुत ज़्यादा है, उनकी अराउंड 13-14 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा इसकी और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग मिल जाती है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर में मल्टीपल शॉट्स लेने हैं तो उनको भी आप इसमें
ईजिली ले सकते हो, फिर बाद में आप उनको मर्ज करके एक SDR इमेज बना सकते हो गाइस। और इसमें आपका फ्लैश सिंक पोर्ट नहीं है, जो कि अगर आपको ऑफ कैमरा फ्लैश लगाना है तो वो इसमें नहीं है, 600D में वो था, तो वो एक चीज़ इन्होंने इसमें कम कर दी है गाइस। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्रॉस टाइप वाले पॉइंट्स की, तो इसमें आपके 9 ऑटो फोकस पॉइंट है और 9 के 9 पॉइंट आपके क्रॉस टाइप है। तो इसमें जो आपको ऑटो फोकस मिलता है 600D के मुकाबले, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। वो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जब मैंने 600D का जो रिव्यू डाला था अपने चैनल पे, आप उसे जाके चेकआउट करना, उसके मुकाबले इस कैमरे का जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। उसके अलावा जैसे सभी कैमरों में होता है, इसमें आपका पॉपऑन फ्लैश भी है और फ्लैश की जो पावर है वो अच्छी खासी ठीक ठाक है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस कैमरा के बारे में। SD कार्ड इसमें यहाँ पे साइड में डलता है, बैटरी नीचे से डलती है और बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक बार चार्ज कर लो तो अराउंड 500 इमेजेस ये इजीली निकाल देती है गाइस। अब हम बात करते हैं कि इससे हम कैसी इमेज क्वालिटी निकाल सकते हैं गाइस। तो अब मैं अपनी स्क्रीन पे काफ़ी सारे जो मैंने इससे फ़ोटोज़ लिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैंने इसमें 50 mm के प्राइम लेंस से लिए, इनफैक्ट मोस्टली मैंने जितने फ़ोटोज़ लिए हैं इस कैमरे से वो 50 mm का जो प्राइम लेंस है, f/2.8 वाला, पुराने वाला नॉन STM वाला, जो कि थोड़ी नॉइज़ करता है, हंटिंग करता है, उससे लिए हैं। इमेज क्वालिटी उस वाले प्राइम लेंस और नए STM की मोर लेस बराबर है, पर जो नया वाला है वो थोड़ा साइलेंट है। तो मैं अपनी स्क्रीन पे डाल दूंगा जो मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं, कुछ फ़ोटोज़ मैंने नेचर के लिए हैं, कुछ मैंने पोर्ट्रेट फ़ोटो लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि उससे कैसा बैकग्राउंड ब्लर हो सकता है, कैसी इमेज क्वालिटी निकल के आ सकती है। कुछ फ़ोटो मैंने काफ़ी अच्छी डे लाइट में लिए हैं जब धूप निकल रही थी, कुछ फ़ोटो मैंने शाम के वक्त लिए हैं जब काफ़ी कम हो गई थी रोशनी, और कुछ तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि रात के ही समय मैंने फ़ोटो लिए जब ऑलमोस्ट रोशनी बहुत कम थी। तो उनसे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि इस कैमरे से आप कैसी इमेज क्वालिटी निकाल सकते हैं गाइस। और पर्सनली मुझे फ़ोटो काफ़ी अच्छे लगे। अगर मैं इसको 600D से कंपेयर करूँ तो इसको ISO और लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बेहतर है, ऑटो फोकस भी इसका बेहतर है, तो मुझे इसकी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, इसमें X-Speed 5 प्रोसेसर है, जो आपका इससे पहले वाला जो कैमरा था 600D, उसमें आपका X-Speed 4 था, तो इसका प्रोसेसर भी आपका नया है, तो वो ज़्यादा आप ज़्यादा बेहतरीन इमेज है और ISO परफॉर्मेंस उसकी बढ़ जाती है, अच्छी इमेज ये उससे निकाल पाता है। तो अगर मतलब मैं बात करूँ इसकी वीडियो कैपेबिलिटी की, तो अब मैं अपनी स्क्रीन पे जो मैंने इससे ली हुई कुछ वीडियो है, जिसमें कि मैं इसका वीडियो में ऑटो फोकस भी टेस्ट कर रहा हूँ और कैसा वीडियो की इमेज क्वालिटी निकल के आती है, वो मैं अपनी स्क्रीन पे डाल देता हूँ। तो आगे जो आप इसमें सैंपल देखेंगे वो इस वाले कैमरे से डायरेक्टली रिकॉर्ड की हुई वीडियो की होगी। जब मैंने ये सब वीडियो रिकॉर्ड की तो आउटडोर में मैंने रिकॉर्ड की, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से मतलब आपको विंड का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने अलग से कोई इसमें माइक नहीं लगाया था। उसके अलावा अगर जैसे आप यूट्यूबर हैं, आप अपने लिए गाना वगैरह कुछ रिकॉर्ड करते हैं, गिटार वगैरह प्ले करते हैं, तो मैं एक अपने ही गाने की एक क्लिप भी डाल दूंगा, जो कि मैंने इस वाले कैमरा और 50 mm प्राइम लेंस से रिकॉर्ड की थी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इससे कैसी आपकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी निकल के आती है अगर आप इससे शूट करते हैं गाइस। ओके गाइस, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं वो डायरेक्टली इस कैमरा से है, और जो ऑडियो भी सुन रहे हैं वो भी डायरेक्टली इसी कैमरा से है, Canon 650D। इस वाले कैमरे की एक अच्छी बात यह है कि जो इसकी पीछे की LCD स्क्रीन है पूरी फ्लिप आउट है, और आप उसको टच करके भी फोकस कर सकते हो। जो लेंस मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो आपका 50 mm f/1.8 वाला प्राइम लेंस है, तो उसकी वजह से जो आपको बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। ओके गाइस, हमारे सामने ये पिलर है, तो हम इस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। अभी जो इसमें आपका जो फोकस मोड सेलेक्ट है वो AF सर्वो है, तो बेसिकली कैमरा अपने आप यू नो कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करेगा। लेकिन लेट से मैंने इसको यहाँ पे टैप किया, तो अब ये पिलर जो है फोकस में आ गया है, और मैंने इसको ऑफ कर दिया AI सर्वर ऑटो फोकस को, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा ये जो आपका सामने पिलर है ये फोकस में है, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आउट ऑफ फोकस हो गया है, तो काफ़ी अच्छा ब्लर्ड आउट है वो। तो अगर मैं और थोड़ा पास, अगर मैं फिर से इसको सर्वो को ऑन करता हूँ और मैं इसका थोड़ा सा करीब जाता हूँ, और मैंने इसको ले लिया है फोकस में, और अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके डिटेल निकल के आ रहे हैं और बैकग्राउंड पूरा ब्लर्ड आउट है। तो इस वाले कैमरे में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, आप टच करके इसको फोकस ईजिली कर सकते हो।
तो अब ये सामने का जो पेड़ है अब हम इस पे फोकस करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने फोकस कर लिया, मैं AF सर्वो को ऑफ कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एक बार फोकस आपको मिल गया फिर आप उसको AF सर्वो को ऑफ कर दें ताकि वो फिर कंटिन्यूसली लेंस आपका बार बार फोकस ना करे और आपका फोकस एक जगह फिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी इमेज क्वालिटी निकल के आ रही है, पूरा एक एक डिटेल इतना शार्पली इससे दिख रहा है। तो एक्चुअली हवा इतनी तेज़ चल रही है तो इसको फोकसिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो चीज़ें अगर बहुत तेज़ी से हिलती है तो ऑफकोर्स कैमरा को फोकस करने में बड़ी दिक्कत होती है कि जिस सब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हो इवन टच करके और उतनी देर में हवा की वजह से वो दूर हिल जाए तो फिर आपका फोकस हिल जाता है। तो इस बार मैंने फोकस ग्रैब कर लिया है, बड़ी दिक्कत हुई यार फोकस ग्रैब करने में क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा था टच करके उस इन बैरीज पे फोकस करने की वो हिल के दूसरी जगह चली जा रही थी। तो मतलब इसमें कैमरे की कोई कमी नहीं है, सिचुएशन की कमी है। आप कोई लेटेस्ट मिररलेस कैमरा भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बार फोकस मेरे को मिल गया है और मैंने फिर उसको AF सर्वो को ऑफ कर दिया तो अब फोकस हिलेगा नहीं है, इसी पे रहेगा चाहिए हवा में कितनी हिले। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इमेज क्वालिटी इससे वीडियो की निकल के आ रही है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा ब्लर हो रहा है क्योंकि 50mm का प्राइम लेंस है। ओके गाइस, तो सामने ये जो गमला है मैंने इस पर फोकस अपना ग्रैब कर लिया और वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पीछे का बैकग्राउंड ब्लर में और ये सब चीज़ें फ्लावर और पत्ते कितने अच्छे से फोकस में आ रहे हैं। ओके गाइज, आपने देखा होगा कैसी वीडियो इससे निकल के आई, मुझे तो पर्सनली बहुत बेहतरीन लगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी इस वाले कैमरे से और ऑटो फोकस भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट अगर आप घर के अंदर एक जगह चेयर पे बैठ के शूट करते हैं तो ये अगर आप STM वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फोकस में रखने की कोशिश करेगा, बट आप प्रेफरेबली कोशिश करें कि एक बार आप एक जगह फोकस लॉक कर लें फिर उसके बाद आप उसको मैनुअल फोकस पे स्विच कर दें या फोकस इसी जगह पे फिक्स कर दें। जो AF सर्वो वाला मोड है उसको आप ऑफ कर दें, अगर ये AF सर्वो वाले मोड पे रहेगा तो कंटिन्यूसली आपको फोकस करने की कोशिश करता रहेगा, अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो एक जगह जहाँ फोकस फिक्स हो गया वो वहीं पे रखेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये वाला जो कैमरा है गाइस इसमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस कैनन 800D 200D 70D और 80D से आना स्टार्ट हुआ था, ये उससे थोड़ा पहले का है। तो इसमें अभी भी जो ऑटो फोकस होता है वो कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस होता है लाइव व्यू में या जब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो इतना बेहतरीन नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा हंटिंग करता है। कई बार जैसे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने पहले से फोकस लॉक नहीं किया हुआ तो वो पीछे बैकग्राउंड पे फोकस करेगा फिर मेरे चेहरे को फोकस करने की कोशिश करेगा, तो इन एंड आउट जो है लेंस फोकसिंग करता रहेगा, तो उसकी वजह से वीडियो में जो उसको इंसान देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग फील होगा और वीडियो का टोटल जो है लुक ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैमरा किन को लेना चाहिए। अगर आप एक वीडियोग्राफर हो लेकिन आप प्राइमरली अपना जो काम है वो मैनुअल फोकसिंग करके यूज़ करते हो या पहले ही आप एक जगह फोकस को फिक्स कर देते हो फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इस कैमरे को लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन इससे निकल के आती है।
तो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मान लो कंटिन्यूस ऑटो फोकस चाहिए कि आप चाहते हैं कि कैमरा आपको खुद ही ट्रैक करेगी, जैसे मैं एक जगह बैठा हूँ थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर उधर हिल डुल भी रहा हूँ लेकिन कैमरा प्रिसाइसली मेरे को फोकस में रखे, तो ये कैमरा आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इसमें आपका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं है। तब आपको कैनन के जो इससे थोड़े एडवांस कैमरे हैं 70D 80D जो मैंने पहले बताया 200D 250D 800D वाले कैमरा आपको ट्राई करने चाहिए, या फिर आपके जो मिररलेस वाले कैमरे हैं कैनन EOS M5 या M50 या M6 या M200 या फिर जो फुल फ्रेम वाले हो गए EOS R RP, वो आपको लेने चाहिए क्योंकि उनका ऑटो फोकस बहुत बेहतरीन है डुअल पिक्सल वाला। वो आपको पूरा ट्रैक में रखेगा और बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए इस कैमरे में कोई कमी नहीं है, जबरदस्त ऑटो फोकस है, इमेज क्वालिटी बहुत औसम ये निकाल के ले पाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ क्या ये कैमरा 2021 में आपको लेना चाहिए, आई वुड से आप बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। और इसकी अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो आपको 18,000 के आसपास ये विद द किट लेंस मिल जाना चाहिए। और आज की तारीख में भी ये बहुत कैपेबल कैमरा है, इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, 18 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि काफ़ी होता है प्रोफेशनल काम करने के लिए भी, और फोटोग्राफी के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कैनन के जो लेटेस्ट वाले कैमरे हैं फोटोग्राफी के, उनसे अगर आप इसको कंपेयर करें सेम उसी के टक्कर के आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। सिर्फ आपको अगर वीडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम करना है तब ये आपको थोड़ा सा धोखा दे सकता है क्योंकि इसका फोकसिंग वीडियो में इतना अच्छा नहीं है। तो लेकिन अगर आप जैसे मैंने पहले बताया कि मैनुअल फोकसिंग करने में आपको कोई हर्ज नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, या ये जो फोकस रिंग घुमा के आप मैनुअली खुद ही फोकसिंग करते हो, तब आप वीडियो के लिए भी इस कैमरे को डेफिनेटली ले सकते हो। तो 18,000 में आपको मिल जाए या उससे कम में आँख बंद करके आप ले सकते हो। बिगिनर के लिए बहुत अच्छा कैमरा है। बहुत ही बेहतरीन फीचर ये है कि इसमें टच स्क्रीन है, टच करके फोकस कर सकते हो, टच करके शॉट ले सकते हो, ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में इसको स्क्रीन को घुमा सकते हो आप। तो ये सारी फीचर जो कि आपको कैनन 550D या और जो इससे कम रेंज के कैमरे हैं 1300D वगैरह उसमें नहीं मिलेगी है। एक चीज़ जो इसमें मेरे को नेगेटिव लगी जो मिसिंग है, इसमें वाईफाई नहीं है। अगर इस कैमरे में वाईफाई होता तो ये तो बहुत ही परफेक्ट कैमरा बन जाता, तब आप इसको कैनन कनेक्ट की जो ऐप है अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके उससे पेयर कर सकते थे, फिर आप उसी ऐप से अपने मोबाइल फ़ोन में जो इसके थ्रू आपको दिख रहा है वो सब देख भी पाते आप, और उसके अलावा आप उसको मोबाइल से ही आप फोकसिंग कर पाते, फोकस लॉक कर पाते, फोटो भी क्लिक कर पाते। तो अगर आप जैसे वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप इसको एक जगह ट्राईपॉड पे माउंट करते थे कैमरे को, फिर आप एक जगह जाके बैठ जाते, फिर अपने मोबाइल में उस ऐप को ऑन करके आप फोकस वगैरह अपना लॉक कर देते और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते। तो ये एक चीज़ इसमें मिसिंग है, लेकिन उसके अलावा इसमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा बाय रहेगा अगर आप 2021 में लें, बशर्ते 18,000 से कम में यह आपको मिल जाए अच्छी कंडीशन में। अगर इसके कंप्यूटर की बात करें नाइकॉन में D5300 है, D5500 है, तो अगर मैं उसको और इसको कंपेयर करूँ तो D5300 इससे थोड़ा बेहतर कैमरा है फोटोग्राफी के लिए, तो बहुत बेहतर है। उसकी डायनेमिक रेंज भी इससे ज़्यादा है, मेगापिक्सल भी इससे ज़्यादा है, ऑटो फोकस पॉइंट भी इससे ज़्यादा है, और प्राइस वाइज में दोनों आज की तारीख में आई थिंक थोड़ा सा इससे महंगा पड़ेगा अगर आप सेकेंड हैंड लो। और अगर उसकी वीडियो कैपेबिलिटी की भी बात करें तो वो भी इससे काफ़ी बेहतर है। तो अगर नाइकॉन में अगर मैं इसको किसी से कंपेयर करूँ तो D5300 ही है, क्योंकि बाकी जो उससे सस्ते वाले कैमरे आते हैं उसमें आपकी फ्लिप आउट स्क्रीन आपको मिलती नहीं है गाइस, लेकिन वो कैमरा इससे बेहतर है। और D5500 तो बहुत ही बेहतरीन कैमरा है नाइकॉन का, वो तो इन सबसे बहुत ऊपर है। उसका ऑटो फोकस भी बहुत शानदार है, वो इतनी हंटिंग नहीं करता जितने ये वाले कैनन के कैमरे करते हैं गाइस। तो अगर कैनन में ही इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो D700 है, लेकिन D700 इसमें कोई अंतर नहीं है। पता नहीं उन्होंने क्यों एक नया मॉडल बना दिया D700 के नाम से, फीचर वाइज कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब अगर आप उसको इंटरनेट पे जाके पूरी स्पेसिफिकेशन टॉप टू बॉटम पढ़ भी डालोगे तो आपको कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। तो अगर कोई इंसान आपको D700 बेच रहा है ज़्यादा प्राइस में कि ये कह के करे ये ज़्यादा एडवांस कैमरा, तो मत लेना, ये D650 ले लेना आप। जो चीज़ आपको D700 में मिली एग्जैक्टली सेम चीज़ वो उसमें मिलेगी, ठीक है गाइस। लेकिन अगर आप D750 की बात करो, हाँ उसमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, वो एक आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा जो कि इस कैमरे में नहीं है। लेकिन D700 और ये तो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट मैं जब इस कैमरे के रिव्यू की जो फाइनल वीडियो डालूंगा तो उसमें D650 /
D700 करके डालूंगा क्योंकि ये दोनों कैमरे बेसिकली सेम है, अंतर कुछ नहीं है इसमें। तो गाइस इस कैमरे को लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप सैम्पल वीडियोज और फोटोज तो देख ही चुके हो और वहाँ पे मैं आपको हमेशा रिप्लाई करता हूँ इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में डाल के कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, वीडियो पसंद है तो यार सब्सक्राइब करो चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे जितने भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल को हेल्प करो यार ग्रो करने में, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह उनसे भी बोलो सब्सक्राइब करने को, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और हमेशा मिलता रहेगा। तो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।